हेलो दोस्तों, आज हम मैथ सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हुए हम पहली एक्सरसाइज के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग से सीखेंगे कि किस तरह से इस विधि का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने का ये एक बड़ा ही आसान फार्मूला है और इस फार्मूले की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 135 व 225। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा पहला क्वेश्चन है 135 व 225। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें ये चुनना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या अगर हम देखें तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमारी बड़ी संख्या है 225। हमने उसे लिख लिया बीच में और फिर हमने इसे क्या किया, विभाजित किया 135 से, जो कि छोटी संख्या थी। अब अगर हम 135 का पहाड़ा 225 में पढ़ें तो एक बार ये कट जाएगा, क्योंकि दो बार करने पर ये 270 हो जाएगा, जिसका मान 225 से ज़्यादा होगा। तो वन टाइम ये कटेगा, तो 135 एकन्नम 135। जब हम इसे घटाएंगे तो 5 से 5 जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पर एक यहाँ से ले लिया जाएगा, 12 हो जाएंगे और 12 में से 3 जब घट जाएगा तो बचेगा 9। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 90 शेष बचा। जब 90 शेष बचा तो अब हम इस 135 वाले अंक को यहाँ पर ले आएंगे और उसे 90 से, जो कि हमारा शेषफल था, उससे भाग करेंगे। तो 90 का पहाड़ा अगर 135 में पढ़ा जाए तो एक बार ही यहाँ पर भी ये जाएगा, क्योंकि 90 का अगर पहाड़ा दो बार पढ़ा दिया जाए तो 180 हो जाएगा, जो कि 135 के मान से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 90 एकन्नम 90। अब इसमें से अब अगर हम घटाएं तो यहाँ पर हमें 5 मिलेगा और 3 से 9 तो घटेगा नहीं, इसलिए 13 से 9 को घटाया जाएगा और हमारा शेष आएगा 4। अब हमारे पास शेषफल आया 35 और भाग देने वाली संख्या कौन सी थी, 90। उस संख्या को हम यहाँ पर जो शेषफल है उससे पुनः भाग करके 45 का पहाड़ा हमें 90 में पढ़ना है। 45 एकन्नम 45, 45 दूना 90, यानी कि 45 का पहाड़ा दो बार पढ़ने पर हमारा जो 90 है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ये तो हमारा यूक्लिड विभाजन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए लिखना भी है और एचसीएफ भी बताना है। तो इसलिए इसे हम कैसे लिखेंगे एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले हमारे पास संख्या थी 225, तो हमने 225 को लिख लिया। 225 को लिखने के बाद इसे हमने किससे डिवाइड किया, 135 से, और 135 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, एक बार। पहाड़ा पढ़ने के साथ साथ जब हमने इसका पहाड़ा पढ़ा तो शेषफल हमारा कितना आया, 90, वो प्लस में लिख दिया गया। ठीक इसी प्रकार से पुनः हमने क्या किया, 135 को किससे, 90 से भाग दिया। 90 से कितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया, एक बार, और शेषफल हमारा कितना आया, 45। पुनः हमने क्या किया, अब 90 को हमने भाग दिया, किससे भाग दिया, 45 से। कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा हमें, दो बार, और हमारा शेष फल हो गया 0।
जिस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल जीरो हो जाता है, वही संख्या हमारा एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमारा दोस्तों एच सी एफ कितना हुआ, 45। और ये हमारे प्रश्न का आंसर भी होगा। इस तरह से ये हमारा पहला सवाल पूरा हो जाता है। बाकी के सवाल भी इसी तरह से किए जाएंगे, जैसे 867 है और 255 है। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग करना होगा, फिर पूरा प्रोसेस इसी तरह से होगा। आइए हम उस प्रश्न को भी करके देखते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 867। इसे छोटी संख्या यानी कि 255 से डिवाइड किया जाएगा। जब हम 255 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 255 का पहाड़ा 867 में पढ़ना है, 867 में। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक सेंस भी इसका होता है, जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 4 8 यानी कि 4 टाइम लगभग ये जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख लें तो 55 भी है, तो इसकी वजह से ये 4 टाइम नहीं 3 टाइम जाएगा, यानी कि हमको 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 3 5 15 का 5, 3 5 15 1 16 के 6, 3 2 6 और 1 7। हमारे पास आंसर में जो गुणा करने पर 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर आया वो 765। 707 से 5 गया, 2 बचा। यहाँ पर 6 से 6 गया, 0 बचा। 8 में से 7 गया, 1 बचा। अब 102 हमारे पास शेषफल आ गया। हमारे पास यहाँ गिनती कितनी थी, 255। अब इस 255 को हमें क्या करना है, प्राप्त शेषफल यानी कि 102 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 102 का अगर हम पहाड़ा 255 में पढ़ें तो 102 दूना 204 आएगा। अगर 3 बार कर दें तो ये हमारे पास 306 हो जाएगा, जो कि 255 से काफी ज्यादा होगा, इसलिए हम इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 102 दूना 2 दूनी 4, 2 की 0 से 0, 2 51 2, यहाँ 51 से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा। सॉरी, 5 में से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 5 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 5 बच जाएगा। 2 से 2 जाने पर हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब हमारे पास शेषफल जो प्राप्त हुआ वो 51 हुआ। इस 51 को हमें क्या करना है, 151 से 102 को क्या करना है, भाग देना है। तो 51 51 51, 51 दूना 102। तो इस तरह से 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 51 से हमारा जो शेषफल है वो 0 हो गया। अब इसे हम एल्गोरिथम के तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बड़ी संख्या थी 867 और इसका डिवाइडेशन हुआ 255 से, 3 बार इसका पहाड़ा पढ़ा गया और शेषफल हमारे पास बचा 102। ठीक इसी तरह से अब 255 को डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया, 102 से। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया, 2 बार। शेषफल कितना आया, 51। ठीक इसी तरह से फिर 102 को डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया, 51 से। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया, 2 बार। शेषफल हमारा क्या आया, 0। तो यहाँ पर हमारा 51 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर हमारा जो एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 51 होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से दोस्तों हम दूसरे सवालों को भी हल कर सकते हैं। इसमें 420 और 130 दिया हुआ है। अगर हम देखें तो 420 बड़ी संख्या है और 130 छोटी संख्या है। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर SCF आसानी से ज्ञात हो सकता है। इस सवाल के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका SCF 51 है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। सवाल नंबर 3 की बारी है। हमारे पास बड़ी संख्या है 420, छोटी संख्या है 130। तो हम छोटी संख्या को बाहर रखेंगे और बड़ी संख्या यानी कि 420 को अंदर की ओर रखेंगे। अब 130 से अगर हम 420 को डिवाइड करें तो हमारा 13 × 3 = 39, लगभग 3 बार पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। करके देखते हैं। 3 से 3 की 0 से गुणा हुई 0, 3 तियाएँ 9, 3 एकन्नम 3, 390। यहाँ पर हमारे पास आया 0, यहाँ पर हमने एक अंक ले लिया, हो गए 12, 12 में से 9 गया, बचा 30। अब यहाँ पर 3 में से 3 पूरा का पूरा कट गया। फिर 130 को यहाँ पर क्या किया जाएगा, उतार लिया जाएगा। अब हम 30 का पहाड़ा 130 में पढ़ेंगे। तो जब 130 में हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार, 4 की 0 से 0, 4 किए 12, शेषफल हमारे पास बचेगा 10। अब 10 से क्या किया जाएगा, 30 को डिवाइड किया जाएगा। तो 10 एकन्नम 10, 10 किए, इस तरह से अगर हम देखें तो 10 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 हो गया। अब इसे यूक्लिड तरीके से लिखने पर 420 गुणे 420 बराबर 130 गुणे 3 और प्लस शेषफल था 30। फिर 130 बराबर 30 से डिवाइड किया गया, 4 बार पहाड़ा पढ़ा गया और शेषफल हमारा आया 10। इसी तरह से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 30 को डिवाइड किया गया है और 30 को किससे डिवाइड किया गया, 10 से। कितनी बार, 3 बार पहाड़ा पढ़ा गया, शेषफल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो इस तरह से इस संख्या का HCF जो हमारा हो गया वो हो गया 10। तो इस तरह से इस सवाल का HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 10 है। ठीक इसी तरह से हम अगले सवाल की भी तरफ बढ़ सकते हैं। अगले सवाल में थोड़ी सी जटिलता है। ये सवाल तो सीधे सीधे हो जाते हैं लेकिन वो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है उसे समझते हैं। अगर हम उस सवाल की बात करें तो हमारे पास है 196 और 38,220। तो इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि बड़ी संख्या हमारी 38,220 है और छोटी संख्या 196 है। तो फॉर्मेट वही अपनाया जाएगा कि हम 38,220 को अगर हम डिवाइड करें तो 196 से। तो यहाँ पर अगर हम 196 का पहाड़ा दो बार पढ़ें तो नॉर्मली क्या होगा, 382 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम करते क्या हैं, करते ये हैं कि यहाँ पर हम पहाड़ा एक बार में ही पढ़ सकते हैं। पहले नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, तो वन टाइम में ये हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम एक इधर से ले लेते हैं अंक, हो जाते हैं 12, 12 में से
छः जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे छः। यहाँ पर अगर हम देखें तो सात बचे थे, एक ले लिया, हो गए 17। 17 में से 9 चले गए तो 9 8 17 होते हैं, 8 बचेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले अंक को उतार लेंगे। अगले वाले अंक को उतारने पर हमारा मान हो गया 1862। कितनी संख्या हो गई, 1862। और 1862 को अगर हम 196 से डिवाइड करना चाहें तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये 200 है। तो अगर 200 का पहाड़ा हमें सिर्फ 1800 में पढ़ना होता तो हम 9 टाइम पढ़ते, तो लगभग 9 टाइम या उससे एक कम अंक में ही ये डिवाइड होगा। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा 9 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। तो 9 6 54 का 4, 9 9 81 और 5 86 का 6, और 9 91 9, 8 17। अगर हम इसे घटाएं तो 12 में से 4 गया, 8 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचे हैं तो यहाँ हो गया 15, 15 में से 6 गया, बचेगा 9। और हमारे पास ऊपर बचा था 0, वो यहाँ पर कैरी कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है। अब अगर हम इसे देखें तो हमें इसका पहाड़ा करीब 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 टाइम, 5 बार। 5 6 30 का 0, 5 9 45 और 3 48 के 8, 5 91 5 और 4 9। तो अगर हम इसे कट करें तो ये पूरी तरह से कट जाता है। यहाँ पर और पिछले सवालों में एक डिफरेंस है। पिछले सवालों में हम जो शेषफल बचता था उससे छोटे वाले अंक को क्या करते थे, जिसे भाग दे रहे होते थे उस अंक को डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ और वहाँ सवालों में एक डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो संख्या है, जो शेषफल आता है वो शेषफल से छोटी है, शेषफल से छोटी है। इसीलिए हम इस संख्या को शेषफल से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, उसे पुनः शेषफल से ही डिवाइड किया। और इस तरह से डिवाइड करते हुए हमें HCF, यानी कि अगर हम सिंपल तौर पर देखें तो हमारे पास संख्या थी 38,220, और 38,220 को हमने डिवाइड किया 196 से, और टोटल टेबल कितनी टाइम पढ़ी गई, 195 बार। और जब 195 बार पढ़ा तो हमारा शेषफल हो गया। इस चौथे प्रश्न में हमारे पास छोटी संख्या थी 196 और बड़ी संख्या थी 38,220। अब 38,220 को हमने क्या किया, 196 से, यानी कि 196 से डिवाइड करना था। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम 196 का टेबल वन टाइम में पढ़ते तो हमारा आता है 196, क्योंकि टू टाइम यानी कि दो बार पढ़ने पर 382 से वो मान ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार हमने इसका टेबल पढ़ा, यहां पर एक बार टेबल पढ़ने पर 196 आ गया। और जब हमने यहाँ पर इसे घटाया, 12 किए, 12 में से 6 घटाया, 6 बचा, यहाँ पर हमारे पास 7 बचा, एक ले लिया, हो गया 17, 17 में से 9 गए, बचा 8, और 8 यहाँ पर 2 बचे और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1862 शेष बचा जो कि 196 से बड़ा है। तो इसलिए हम इसमें पुरानी वाली विधि को नहीं अपनाएंगे, सीधे तौर पर दोबारा से 196 से ही 1862 को डिवाइड करेंगे। तो हमारा डिवीजन जाएगा 9 तक। ये कैसे सेंस से मिल सकता है, सपोज कर लें ये 200 है और यहाँ पर 1800 है, तो अगर 200 होता और 9 टाइम इसका पहाड़ा पढ़ा जाता तो 1764 बन जाएगा। 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 बचेगा, 6 में से यहाँ पर 5 बचेंगे हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 98 बचेगा।
एक जीरो को उतार लेंगे 980 हो जाएगा। इस 980 को अगर हम 196 का 5 बार पहाड़ना पड़ते हैं, तो 5 छका 30 का 0, 5 नवा 45, 48, 5 छका 5 का 4, 980 से 980 डिवाइड हो जाएगा। 38,220 को हमने 196 से डिवाइड किया और 195 बार पहाड़ा, जिससे हमारा क्षेत्रफल 0 हो गया। तो इस तरह से 196 से 195 बार पहाड़ा पड़ने पर क्षेत्रफल 0 हो गया, इसलिए हमारा एच सी एफ जो हुआ है, ये कॉमन फैक्टर हुआ, वो 196। और यहीं पर हमारी यह प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। आगे के वीडियो में हम आगे के सवाल लेकर के हाजिर होंगे और साथ ही इस कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएं, ताकि आप एक्सरसाइज से उसे कर सकें।